नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। गुड़ी पड़वा, चैटरी चंद और विक्रम नव संवत्सर के साथ शनिवार को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही 9 दिनों तक चलने वाला देवी की आराधना का पर्व भी शनिवार से शुरू हो गया। देवी मंदिरों और घरों में घट स्थापना और अखंड ज्योति के साथ पहले दिन माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं नवरात्र के चलते शहर के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र के चलते शहर के विभिन्न मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिरों पर आकर्षक लाइटिंग के साथ ही विशेष साज सज्जा की गई है। शनिवार सुबह से ही मंदिरों में मां के दर्शन प्राप्त करने भक्तों की कतारें देखने को मिली, जिसके लिए मंदिरों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही मंदिरों में चलने वाले विशेष अनुष्ठानों, हवन, कीर्तन आदि के लिए लोगों ने दान करना शुरू कर दिया है। कैंसर पहाड़ी के पास स्थित मांडरे वाली माता मंदिर में भी भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। देवस्थान महाकाली देवी मांडरे की माता कहलाता है। इस मंदिर की स्थापना संमत 1830 आनंद राव मांडरे द्वारा की गई थी। इसमें जियाजी राव महाराज की परमिशन थी। आनंद राव मांडरे कर्नल जियाजी राव के थे। उनको कोई नमक वसूली के चक्कर में जो उनसे खून खच्चर हुआ था, तो देवी ने उन्हें सपना दिया था, तो उनने मांडर गाँव से बाई पूना के आगे वाई, वाई के आगे मांडर गांव है, वहाँ से ये देवी मांडरे की नाम से लेके आई। इस मंदिर की देवी की ये याचना है, 9 दिन का मेला चैत्र का पड़ता है और 10 दिन का क्वार का पड़ता है। इस समय की पहली गुड़ी पड़वा कहलाता है, नया वर्ष कहलाता है। इस देवी के यहाँ पर पहला गुड़ी पड़वा रहता है, दूसरा तीसरा दिन चलने के बाद सप्तमी पुष्टि है, अष्टमी को महाहवन होता है, नवमी को रामनवमी कहलाती है। रामनवमी के दिन भगवती से अष्टमी के दिन जो भी वचन मांगता है भगवती, सबका जो भी मांगता है वो पूरा करती है। इस मंदिर में आज सुबह 4 बजे से भक्तों की भीड़ रात के 2 बजे तक रहती है। 24 घंटे पट खुले रहते हैं, यहाँ पट बंद नहीं होते। दूसरी बात, इस मंदिर की स्थापना में जियाजी राव का कुल के आज भी ज्योतिषाराजे आते हैं, उनकी कुल देवी ये कहलाती है, गोरखी कहलाती है। सिंधिया परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो अशुभ कार्य हो देवी की याचना करते हैं, देवी के बगैर कोई भी कार्यक्रम नहीं करते। ग्वालियर के कोतवाली थाना इलाके के दाना ऑल स्थित एक गिफ्ट सेंटर में आग लगने से यहां लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। घटना आज सुबह की है, जब यहां मनोज नॉवल्टी सेंटर की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते आग सुलग उठी और देखते ही देखते आग ने यहां पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने 2 से 3 गाड़ी पानी फेंक कर आग पर काबू पाया। दुकान में गिफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ियां और अन्य सामान रखा था, जिसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। जैसी पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि दानावली में मकान में आग लगी है, तो हमने तत्काल एक गाड़ी अपने बाड़ा स्थित नजदीकी से गाड़ी रवाना करवाई और वहाँ पर पता लगा कि आग जो है ज़्यादा है, तो यहाँ से भी गाड़ी भेजी और मुरार की भी गाड़ी बुलाई। इस तरीके से 4 गाड़ी अपन ने घटनास्थल की तत्काल रवाना करी, परंतु एक ही गाड़ी द्वारा आग को बुझा लिया गया। पता लगा कि ऊपर 6-7 बॉडी ऊपर फंसी हुई हैं, वो धुएं के चक्कर नीचे उतर नहीं पा रही थी, तो इसकी वजह से अपन ने लैडर लगा के उनको सुरक्षित बचाया, कोई जनहानि नहीं हुई है। नीचे दुकानों में कॉस्मेटिक का सामान भरा हुआ था, वो थोड़ा जलने से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है, बाकी सब ठीक ठाक। ग्वालियर के जनगंज थाना इलाके के काला सयाद इलाके में 11वीं की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बताया गया कि यहां रहने वाले आसिफ शाह की 17 वर्षीय पुत्री मुस्कान शाह देर रात खाना खाने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी और रात 1 बजे के करीबन उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान घर के सभी सदस्य मौजूद थे लेकिन उन्हें छात्रा के फांसी लगाने की भनक नहीं लग पाई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पीएम हाउस पहुंचाकर विवेचना शुरू कर दी है। हाँ, पास हो गई। बजे अभी तो कोई मालूम नहीं चल रहा, लेकिन अच्छी वाली मतलब 12:30 बजे के टाइम पे चाय पिलाई है पापा मम्मी को। छत पे बैठे, लाइट चली गई थी जिस टाइम आंधी आई थी। उसके बाद मैं चाय देकर नीचे गई है तो 10 मिनट बाद देखा था वो फांसी पे थी। ये मुस्कान शाह है, पिताजी का नाम है डॉक्टर ऑफ आसिफ खान आसिफ शाह, 17 साल की उम्र है। इनने फांसी लगा के सुसाइड की है और पुलिस को सूचना परिजनों द्वारा मिली थी तो उसको लागे डेड हाउस में पीएम वगैरह करा रहे हैं। अभी केस जांच में है तो अभी जानकारी नहीं है किस कारण से सुसाइड किया है, तो जांच के बाद पता चलेगा पीएम। झूलेलाल जयंती पर सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। माधोगंज स्थित झूलेलाल मंदिर में चेटी चंड के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में पहुंचे सिंधी समाज के लोगों द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना कर चल समारोह भी निकाला गया। इसके बाद भगवान झूलेलाल का अभिषेक कर प्रसादी का वितरण किया गया। पंचायत कर्मी की नियुक्ति को लेकर चल रहे अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने भिंड के तत्कालीन कलेक्टर IAS टी एलैया राजा को बरी तो कर दिया है, लेकिन इस केस की जानकारी उनकी सर्विस बुक में दर्ज कराने के आदेश दिए हैं ताकि अधिकारियों को न्यायालय के आदेश का पालन के लिए उक्त केस का ध्यान रहे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने एक अवमानना याचिका में आदेश दिया है कि उक्त प्रकरण के आदेश की कॉपी और प्रकरण की जानकारी मुख्य सचिव को भेजकर 7 दिन में इलैया राजा की सर्विस बुक में दर्ज कराई जाए। साथ ही पंचायत कर्मी के तौर पर प्रदीप जोशी ने शासन से 2006 से 2016 तक जो वेतन लिया है उस राशि की वसूली इलैया राजा से की जानी है या प्रदीप जोशी से या वसूली नहीं करनी है, इसका निर्णय राज्य शासन 3 महीने में ले। ग्वालियर के बिजौली थाना इलाके के बिलाठी तेराय पर ट्रॉली और डंपर के बीच भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए JH में भर्ती कराया गया है और मृतकों के शव PM हाउस पहुंचा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार बिजौली के रहने वाले ग्याराम जाटव, राजू जाटव, पप्पू गुर्जर, सुरेश जाटव ट्रॉली में सरसों भरकर गोलेका मंदिर स्थित नारायण गल्ला मंडी में बेचने के लिए जा रहे थे, तभी बिलाठी तिराए पर एक डंपर के अचानक सामने आ जाने से उससे भिड़त हो गई जिससे ट्रॉली पलट गई जिसमें ग्याराम और राजू की मौत हो गई एवं पप्पू और सुरेश घायल हो गए जिन्हें JH में भर्ती कराया गया है। 11:30 बजे की बात है, बहुत तेज गति से ट्रैक्टर से आ रहे पिताजी गल्ला लेके मंडी जा रहे थे, पीछे से टक्कर मार दी डंपर ने। डंपर की लापरवाही से पीछे से टक्कर मार दी। एक पिताजी हैं, एक मामा जी हैं। पिताजी का नाम ग्याराम, एक का नाम राजू है और 2 घायल हैं। 100 नंबर फोन आया था तो 100 नंबर गाड़ी गई थी, बाकी बात थाने पे भी बताया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, थाने से भी बल पहुंच गया था वहाँ पे। GR मेडिकल एसोसिएशन एवं गार्डन सोसाइटी ग्वालियर द्वारा बॉन्साई पौधों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर भगवत सहाय सभागार में किया जा रहा है। शनिवार को डॉक्टर आदर्श दीवान द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया
जहां विशेषज्ञों द्वारा बोनसाई पौधों को तैयार करने की विधि तथा विशेषताओं की जानकारी दी गई। हमारी गार्डन सोसाइटी है जिसका बोनसाई एग्जीबिशन 2 दिन की लगी हुई है और इसके इनॉग्रेशन के लिए डॉक्टर आदर्श दीवान मैडम को बुलाया है और इसमें सभी तरह के बोनसाइज हैं, मामे भी हैं और लैंडस्केप वगैरह भी रखे हुए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत निर्वाचन निगरानी नोडल अधिकारियों की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक एजेंसियों ने बेहतर समन्वय से कार्य किया है। आबकारी विभाग अवैध शराब के परिवहन, वितरण एवं विक्रय के मामलों में सख्ती से चेकिंग कर कार्रवाई करे। स्टार प्रचारकों एवं उम्मीदवारों के वाहनों की सघन जांच की जाए, किंतु आम नागरिकों एवं किसानों को जांच के नाम पर परेशान नहीं किया जाए। बैठक में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक अनंत कुमार सिंह भी मौजूद रहे। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी और भाजपा के खिलाफ खड़े होने वाले मजबूत प्रत्याशियों के समर्थन किया जाएगा, जिससे कि भाजपा को मोदी और शाह की जोड़ी को दोबारा सत्ता में आने से रोका जा सके। इसके साथ ही प्रदेश के आप कार्यकर्ता हजारों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां और बूथ स्तर तक प्रयास किया जाएगा। आज ग्वालियर में ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई और इसमें तय किया गया है कि चूंकि सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए मोदी शाह की जोड़ी सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वो लोकतंत्र खत्म कर रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो सबसे ताकतवर उम्मीदवार है उसको वोट दिया जाएगा और दिल्ली में हजारों कार्यकर्ता पहुँच के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। हर जिले के स्तर पर लोकसभा अभियान समितियों का गठन किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलेगा और दिल्ली में कार्यकर्ता जाकर वहां पर विजयी दिलाएंगे। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लेकर जिला न्यायालय में सिविल सूट फाइल किया गया है, जिसमें मांग की गई है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इस फिल्म में गिराया गया है, इसलिए इसका प्रसारण तुरंत रोका जाए और हमेशा के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा लगाए गए इस सिविल सूट में शुक्रवार को सुनवाई की गई। इसके बाद फिल्म प्रसारण बोर्ड, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं और 12 अप्रैल को अगली सुनवाई नियत की गई है। मैंने ये विचार न्यायालय में, जिला न्यायालय में सिविल सूट फाइल किया है। इसमें स्वतः घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। हमारा कहना यह है कि संजय बारू ने जो किताब लिखी थी एक्सटेंडर प्राइम मिनिस्टर के नाम से, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, संजय बारू ये उनके PA भी रहे और उन्होंने ये किताब लिखी। पूरे किताब में सभी चीज़ें गलत लिखी हैं। उनका कहना ये है कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भाजपा जो थे सोनिया गांधी की साड़ी पर काम करते थे और पूरा उन्हीं की चलती थी और ये तो मात्र कठपुतली थे। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के वर्ड यूज करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है। मनमोहन सिंह जी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने ऐसे समय देश को आगे पहुंचाया और हर तरह से काम किया। अगर दूसरा प्रधानमंत्री होता तो निश्चित बहुत देश का नुकसान होता। उसके बावजूद ही संजय बारू ने जो किताब लिखी है केवल उनकी छवि धूमिल करने के लिए और ऐसे समय ये फिल्म रिलीज हुई है जबकि भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उनको ये दिखाया गया कि कांग्रेस के समय जो 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने विवेक से कोई फैसले नहीं लिए, केवल वो सोनिया गांधी के कहने पर काम करती थी और कठपुतली प्रधानमंत्री की संज्ञा दी है। इसलिए मैंने ये न्यायालय में सिविल सूट फाइल करके निवेदन किया है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को प्रतिबंध किया जाए।
क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में जब डबल सेंचुरी बनाकर इतिहास रचा था तो पूरी दुनिया ताली बजा रही थी, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर का ये इतिहास मिटने जा रहा है। इसके साथ ही इस पिच पर खेलने का सपना सजोने वाले कई क्रिकेटरों के अरमान भी टूट जाएंगे। इसमें जो माननीय हाईकोर्ट का जो निर्देश है उसका हम लोग पालन करेंगे और इसमें हम लोग उस निर्णय को समझ भी रहे हैं। जो हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे भी हमने सलाह मांगी है और उसमें जो भी माननीय हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है उसका पालन किया जाएगा। इसमें मैंने आपको बताया ना, हम लोग कभी कोर्ट को स्टडी कर रहे हैं। इसमें उनके द्वारा जो DRDO जो परिसर होता है उसके जो भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं DRDO की स्थापना को लेकर, एक निश्चित पैरामीटर के अंतर्गत कोई और कार्यालय नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी रीजन्स के कारण और अन्य कंसर्न्स के कारण, तो उसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने उस ये निर्देश जारी किए हैं। इसको हम लोग निर्णय को स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके हम लोग जो भी लीगल इसमें रिकोर्स है वो अपनाएंगे और अगर उनको चिन्हित करके उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना होगा तो वो भी हम कार्रवाई करेंगे। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।